दोस्तों अप्रैल मई और जून मंथ में पूरे देश में लॉकडाउन था। उसके बाद जुलाई मंथ में कुछ जगह लॉकडाउन रहा और कुछ जगह लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर हम ऑनलाइन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्डर मूवमेंट में जुलाई मंथ में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि कहीं कस्टमर का डिलीवरी एरिया सील था तो कहीं सेलर का पिकअप एरिया सील था, तो इस वजह से जुलाई मंथ में काफी सारे ऑर्डर कैंसिल भी हुए थे। उसके बाद अगस्त मंथ में बाजार धीरे धीरे खुलने लगा और अभी सितंबर मंथ एंड होने को है और बाजार पूरी तरह खुल चुका है। वो बात अलग है कि जहां कोरोना केसेस ज्यादा है वहां अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, लेकिन फिर भी बाजार का जो हाल कोरोना के आने से पहले था लगभग वही हाल दोबारा बाजार में दिख रहा है। वो बात अलग है कि कोरोना अभी भी गया नहीं है और कोरोना के केसेस अभी भी डेली बढ़ रहे हैं। ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने से ऑनलाइन सेलिंग में प्रॉपर मूवमेंट नहीं था, और अगर एक दो बड़े फेस्टिवल पिछले 6 महीने में आए भी तो कुछ लोग रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से और कुछ लोग डर की वजह से ऑर्डर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब लोगों को डर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात आ गई है कि हमें प्रिकॉशन लेते हुए कोरोना के साथ जीना होगा जब तक कि इसकी वैक्सीन ना आ जाए। और अब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मंथ में काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और कुछ दिनों बाद फ्लिपकार्ट पर 5-6 दिनों की बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है। उसके बाद दिवाली पर सेल आएगी और फिर न्यू ईयर पर सेल आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सही समय आने वाला है जहां पर आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली भी पूरे साल के 3 महीनों में ज्यादातर लोग काफी सारी शॉपिंग करते हैं और अभी कोविड की वजह से लोग बाहर जाकर शॉपिंग करना अवॉइड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो लोग इन 3 महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग ही करने वाले हैं। अब जब इतने सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपके पास भी कंपैरेटिवली ज्यादा सेल आएगी, लेकिन वो तभी है जब आपके पास प्रोडक्ट की स्टॉकिंग अच्छी खासी होगी। तो मेरे ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि एक बार आप लोगों को अवेयर कर दूं कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो उसके लिए प्रिपेरेशन कर लो और प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर लो, क्योंकि जब सेल आती है और प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है तो काफी दुख होता है। किसी प्रोडक्ट की कितनी स्टॉकिंग करें ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, हाँ लेकिन इतना सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि जो आपका रेगुलर प्रोडक्ट है उसकी आप अच्छी खासी स्टॉकिंग कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो निकल ही जाएगा। और जो प्रोडक्ट आपका कम सेल आउट होता है उसकी आप लिमिटेड ही स्टॉकिंग कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट स्टॉकिंग की वजह से बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन की इन सेल का काफी टाइम से वेट करते हैं और अब जब वो सेल आने वाली है तो आप भी अपनी एंड से प्रिपेयर कर लो। वैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस मुझे आपको एक बार अवेयर ही करना था कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।